आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं गुर्दे की पथरी, रीनल कोलिक, मूत्र अस्मरी, ये कैसे बनती है और इसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, वो कौन से फैक्टर है जिससे हमें निजात मिल सकती है। ये रीनल कोलिक 90% ऑफ केसेस में मई और जून के महीने में ज्यादा इसके केसेस देखने को मिलते हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि जब हमारी किडनी थोड़ी सी डिहाइड्रेट हो जाती है तो यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है, उसमें जो क्रिस्टल्स है कैल्शियम या यूरिक के एसिड के क्रिस्टल्स वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं और उससे स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। ये स्टोन फॉर्मेशन रेत के कण के आकार का हो सकता है या एक टेनिस बॉल के आकार तक का भी हो सकता है। ये कैसे बनता है ये मैंने बताया, अब हम कैसे इसको रोक सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या। इसके सिम्टम्स में मुख्यतः हमें पेन हमारे पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होती है या हमारी कमर के पेट के पीछे से दर्द होते हुए ये हमारे यूरिनल ट्रैक की ओर जाती है। पीछे से पेट के पीछे से दर्द निकलती है और आगे को जहाँ पर हमारा मूत्राशय है उस तरफ जाती है। इसमें पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब करने वक्त तकलीफ होती है, पेशाब हर वक्त पेशाब करने की डिजायर बनी रहती है, पेशाब में लगना। इसमें बहुत तेज दर्द होती है, वो दर्द के साथ कई बार भमन भी होता है, तो ये असहनीय दर्द होती है, ये किडनी को खराब करने का एक बहुत बड़ा एक मेथड है, इससे किडनी को काफी नुकसान होता है। हम कैसे इससे निजात पाए, हम सबसे पहले तो हमें जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मैं निजात तो अनुरोध करता हूँ, पानी खूब पिए, खासकर गर्मियों में। जो मेरे बच्चे बच्चियां धूप में काम करती हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खासकर भट्ठे में काम करने वाले लेबर, धूप में काम करने वाले मेरे बच्चे उनमें अक्सर तो उनकी रेशियो बहुत ज्यादा है। क्यों उनके रेशियो ज्यादा है, क्योंकि उन प्रेस्पिरेशन पसीना बहुत आता है, पसीना ज्यादा आता है और पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसलिए उनमें ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो लोग धूप में काम करते हैं वो पसीना ज्यादा आता है, वो लोग अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखें, वो इस चीज का ध्यान रखें कि उन्हें पेशाब कम से कम 4-5 बार खुल के आया या नहीं, ये जरूर देखें। ये इसको कभी भी नेग्लेक्ट मत करें कि आपको यूरिनेशन ही नहीं हुआ और आपको ये प्रॉब्लम। कई बार आदमी ये सोचता है कि मैं पेशाब करने कहाँ जाऊंगा तो इसलिए वह पानी नहीं पीता, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी आप जहाँ भी आप काम करने जाएं पानी खूब पिए, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए और आप ये सभी का एक ड्यूटी बनती है उनके लिए यूरिनेशन की व्यवस्था की जाए। वो बेचारे गरीब आदमी भी एक इंसान है, उन्हें भी एक जीने का अधिकार है और उनके लिए ये व्यवस्था जरूर होनी चाहिए यूरिनेशन की और पानी की व्यवस्था, स्वस्थ पानी की व्यवस्था जरूर ही होनी चाहिए, इससे हम काफी निजात पाए। ये प्रायः पुरुषों में ज्यादा होती है और महिलाओं में इसकी रेशो थोड़ी कम है, लेकिन होती दोनों में ही है, पुरुषों में भी और महिलाओं में। जब ये हो जाती है तो क्या करें,
नेचुरल तरीका, नेचुरल तरीके से मैंने हजारों रोगियों को 7 दिन में ठीक होते थे। नींबू पानी, नींबू पानी बहुत बेस्ट है। नींबू पानी आप लगातार, यदि हो सके तो नींबू पानी में थोड़ा अलोवेरा या इसमें उलिव ऑयल थोड़ा सा मिला लें, जिससे लुब्रिकेंट बन जाएगा, ये भी जरूरी है। नारियल पानी बहुत ही जरूरी है, इनमें 3-4-5 बार नारियल पानी। पाइनएप्पल अनानास जूस, ये इसके लिए बहुत ही आवश्यक है, मैंने हजारों पेशेंट्स में ये ट्राई किया है। इसके अलावा जौ का पानी, 50 ग्राम जौ लेने हैं, उसको पानी में डालना है, वो पानी रोगी को लगाता है, इससे भी काफी है। धनिया हर घर घर में है, आपने 1 लीटर पानी में 20 ग्राम धनिया डालना है, जब वो आधा रह जाए उसको पानी को पीना है, इससे भी जुड़ हमारा पत्थरी जो है निकल जाती है। पत्थर चट, 1 लीटर में 20 ग्राम पत्थर चट के पत्ते लेकर, जब ये आधा किलो पानी रह जाए तो ये पानी पीना है, ये बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा चंदन आसप बहुत ही उपयोगी है, गोक्सरू का को उबाल करके उसका पानी पिए या उसका क्वाथ पिए, ये बहुत ही उपयोगी है। आपने यदि आपको ये प्रॉब्लम है स्टोन की, आपने ज़्यादा वो चीज़ें जिनमें कैल्शियम या यूरिक एसिड प्रोटीन ज़्यादा हैं वो ना लें। कैल्शियम ऑक्सलेट्स किन चीज़ों में ज़्यादा है, पालक, टमाटर, जितने भी ये साग, काजू, नट्स, इनमें भी प्रायः काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम रहता है। यूरिक एसिड का, जो लोग जिनका यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं स्टोन, वो पानी लगातार ज़्यादा से ज़्यादा पीएं, तो जिन चीज़ों में कैल्शियम ऑक्सलेट ज़्यादा है उनका प्रयोग करें, वो ज़रूरत से ज़्यादा पालक कभी ना खाएं, ये नहीं है कि पालक बिल्कुल ना खाएं, हफ्ते में 1-2 बार खाएं, लेकिन उसके साथ पानी खूब पिएं, क्योंकि ये कैल्शियम का एक बड़ा अच्छा नेचुरल सोर्स है। पालक, कैल्शियम, जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें प्लेंटी ना, कई लोग मैं देखता हूँ काजू इतने इतने खाई जाते हैं, ये भी स्टोन फॉर्मेशंस में बहुत ही न्योता देने वाली बात है कि आप काजू में, कई मैंने देखे हैं काजू अपने पेंट के जेब में भर लेते हैं और खाते रहते हैं कि हमें ताकत आएगी, जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नुकसान। आपने कुल्थी का पानी, इसके लिए बहुत ही उपयोगी है, कुल्थ की दाल का बनाएं, उसका सेवन करें, कभी भी किडनी को डिहाइड्रेट ना करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, 10 mm से कम, हजारों रोगी मैंने अपने क्लिनिक में ठीक किए हैं, और मैं आशा करता हूँ आप, मैंने जो इसके लिए ये वीडियो डाली है इससे आपको ज़रूर फायदा होगा। सभी देखें, अंत तक देखें, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे हेल्दी एंड फिट।